चलो भाई पहुंच गए पीछे, ये हमारे भाई ये रहा GM ETI। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने आपकी इतनी बेइज्जती कर दी, प्लांट सी प्लांट है भाई सारी जगह, और हर प्लांट पे हर पौधे का नाम लिखा है। बेइज्जती होगी भाई, कॉलेज के बाहर आना पड़ेगा वापस, डबल प्रोटेक्शन आई फ्लू से, और अब से भाई अपनी एक न्यू कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है भाई 27th of July और अभी भाई साहब बज रहे हैं सुबह के 11, और अभी सुमित और मैं भाई साहब जा रहे हैं रेडी होकर के कॉलेज में, न्यू कॉलेज में। भाई हमारी जो है भाई पहले वाला कॉलेज जो अब खत्म हो चुका है, तो इसलिए भाई अब हम न्यू कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन का पता करने के लिए। अच्छा, और हमारे ड्राइवर भाई ये रहने वाले हैं, ठीक है, और अब से भाई अपनी एक न्यू कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है, बिकॉज अब हम अलग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वो वाला जो है खत्म हो चुका है, जस्ट अभी खत्म हुआ भाई 10-15 दिन पहले, ठीक है, समझ गया। और इधर जूली को देखो भाई, अपना मस्त सोई पड़ी है। इधर देखो भाई, गूगल पे सर्च भी कर लिया इसने कॉलेज हमारा, और घूम भी रहा है यहीं बैठे बैठे। हाँ, ये मेन गेट पे आ गया, ये स्टैंड सा देख, तेरे को सारी जगह देख गया वाला पड़ा, इससे वीडियो रिकॉर्ड करी मांग भी आ जाए। अरे चल अभी तेरे को ये असली में दिखाऊंगा थोड़ी देर में, खड़ा हो, देख रहा कितना बड़ा कॉलेज है तेरे भाई का, घूमते घूमते थक जाएगा, तो इसी में थक गया होगा। चलो भाई सब रेडी हो चुके हैं, और आ जा फटाफट चले, और ये रही भाई अपनी डॉक्यूमेंट वाली फाइल, इसमें सारे डॉक्यूमेंट है। खड़ा हो लेना, अब तेरे को इन्विटेशन दूंगा, लेट करे जा रहा है, पहले 11 बज गए भाई। हमने भाई बाइक भी उठा लिया ताकि डॉक्यूमेंट सारे इसमें सेफ रहे, कहीं जाए ना। इधर देखिए गाइस, डबल प्रोटेक्शन आई फ्लू से चश्मा ऊपर भाई गाइस को मत दिखा भाई, गाइस को आई फ्लू हो जाएगा कुछ भी। फाइनली भाई साहब निकल चुके हैं, देख लो भाई साहब कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, लेकिन भाई साहब धूप भी बहुत तेज है, इसका तो सही है हेलमेट लगा के बैठा हुआ है, लेकिन भाई साहब मेरी हालत खराब हो रही है पीछे बैठे बैठे धूप में। गाइस 21 किलोमीटर रह चुका है, 32 मिनट और लगेंगे, अभी आधा रास्ता भी नहीं कंप्लीट हुआ भाई साहब, 1 किलोमीटर हुआ बस अभी, तो 11 किलोमीटर कर लिया, 21 रह गया, टाइम दिखा रहा है भाई पूरे 32 मिनट। फाइनली भाई हमारे कॉलेज की बाउंड्री जो है शुरू हो चुकी है, इसका मेन गेट भी आ चुका है भाई साहब, यहाँ बसें खड़ी हैं भाई, यही है इसका मेन गेट, ये हमारा कॉलेज JMIT। चलो जी भाई साहब सीधा अंगड़ाई ले लेते हैं भाई साहब, पार्किंग लग चुकी है बाइक की यहाँ पे, शरीर अकड़ गया भाई साहब पूरा, साथ थोड़ी लेके जाएंगे भाई, मैं कितने बड़े खोल पकड़ इसको, खोल के ना इसके अंदर टांग दे और अटका दे बस। पास ही है भाई कुछ हमारे कॉलेज की बाइक पार्किंग, देख लो छोटी सी, बाकी कॉलेज तो भाई अंदर से काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देखते हैं अभी चल के क्या है क्या नहीं है, लगी चलो। तो देख लो भाई आते ही सबसे पहले तो इसमें भाई स्कूल भी अंदर ही है, देखो ये भाई येलो कलर की बिल्डिंग जो है स्कूल है, और आगे हमारा कॉलेज है। पहले भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो कि ये है, आगे पूरी सुनसानियत, आगे कुछ नहीं दिख रहा, अभी ढूंढते हैं कहाँ जाना है। 10 seconds later. भाई सब सर से तो बात हो गया, सर कह रहे हैं अभी वो कंटीन में आएंगे थोड़ी देर में, फिर मिलेंगे, इतने यहाँ पे वेट कर लेते हैं भाई थोड़ा। प्लांट सी प्लांट है भाई सारी जगह, और हर प्लांट पे हर पौधे का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है, कम से कम ये तो सीख लेंगे भाई यहाँ रह रह के, बाकी जो पढ़ने हैं वो जरूर सीखे ना सीखे, नाम तो याद हो जाएंगे सारे पेड़ के। देख रहे भाई सारी जगह लिखा है सारे नाम, देख लो। बेइज्जती होगी भाई, कॉलेज के बाहर आना पड़ेगा वापस, क्योंकि यहाँ पे भाई दो है, JMIT और JMETI, तो हमें ETI में जाना था और हम IT के बाहर खड़े थे, देख लो भाई कितने बेवकूफ है हमारे साथ, ये पीछे जो है पूरी IT और इसके साथ ही भाई ETI है, उसमें जाना हमें। तो भाई साहब बाइक निकाल लेते हैं वापस से, बिकॉज 200 मीटर की दूरी पे ही JMETI है, बोलना भी नहीं आ रहा इसको। चलो भाई पहुंच गए पीछे, ये हमारे भाई ये रहा JMETI IETI। A few inches later. Finally भाई सब बात करके अंदर आ चुके, अंदर भाई ब्लॉग ही नहीं कर पाया, मैं खुद ही नर्वस हो गया था अंदर जाके, पहली बार गया था ना। बाकी कॉलेज तो बढ़िया, और इसको मैं अभी कह रहा हूँ भाई दोबारा अंदर चलते हैं, अंदर जूस वूस पी जाएंगे, लेकिन ये मान नहीं रहा भाई, कह रहा बाहर से ही पी लेंगे, इससे शर्म आ रही वापिस जाने में, खैर क्या ही कर सकते हैं भाई साहब, बाकी इसकी शर्म का कोई हल नहीं है, चलते हैं भाई। गार्ड बहुत बुरी नज़रों से देखे जा रहा है पीछे से, निकलने का टाइम हो चुका है लगभग भाई आधा घंटा घूमे अंदर, मेरे हिम्मत नहीं भाई ब्लॉग करने की, मैं पहले खुद ही नर्वस हो रखा था, क्या ही ब्लॉग करता। ओहो गाइस ये क्या हो गया, आगे तो रोड ही बंद है भाई साहब, देखो इधर से चल ले भाई, वापस ही जाना पड़ेगा। चलो भाई साहब रास्ता तो मिल गया थोड़ा सा, बाइक तो निकल ही जाएगी हमारी, कोई भी नहीं जा रहा भाई साहब, जा कोई नहीं रहा, सारे लोग ही वापस आ रहे हैं, मुझे लगता है हमें भी वापस आना पड़ेगा इसी रास्ते से, लेकिन भाई साहब इंडियंस का पता है ना, अपनी मर्जी करते हैं, ये भी भाई अपनी मर्जी कर रहा है, और कोई भी नहीं जा रहा भाई, सिर्फ हमारी भाई और किसी की नहीं आस पास। मानात्मा को देख लो भाई कहाँ घुमा रहा है हमें, सड़कों के बीच, सड़क के भी नहीं है भाई, ये तो पता नहीं खेत के बीच में ले आया बाइक, पता नहीं कहाँ फंसा और दी भाई साहब। अरे भाई साहब देखना कहाँ खेतों में घुमा रहा है भाई ये, हम तो भाई ये जिद्दी बन गया, जिद्दी कह रहा है यहीं से निकालूंगा भाई जो मर्जी हो जाए। देख रहे भाई साहब फुल काम चल रहा है, वाह भाई वाह,
फाइनली भाई साहब घर पे आ चुके हैं वापस। तो सो गया भाई थक के ड्राइवर हमारा। तो गाइस अब तो मैंने आते ही भाई साहब सुमित का चश्मा भी लगा लिया, मतलब मेरा ही चश्मा, बिकॉज भाई आते ही ना मेरी आंख में भी थोड़ा सा दर्द होने लग रहा है। अब ये नहीं पता भाई वो रास्ते में मिट्टी की वजह से हुआ या फिर सच्ची में ही आई फ्लू होने वाला, मुझे भी पता नहीं भाई। तो सेफ्टी पहले ही अपना लेते भाई, चश्मा लगा लिया गया। बताओ अभी तो कॉलेज आए और इतनी देर में क्या ही हो गया आपको। और फिलहाल सीन ये रहा वहां पर कि भाई साहब जैसे कि मैंने बताया ब्लॉग करने की हिम्मत तो हुई नहीं हमारी, तो फिर हम लोगों ने भाई ये डिसाइड किया कि अभी एक बार और जाना है, उन्होंने एक बार और बुलाया तो एक बार और जाएंगे, उसके बाद भाई फिर हमारा एडमिशन जो है कन्फर्म हो जाएगा। अभी बस हम इन्फॉर्मेशन लेने गए थे तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आ चुके हैं। जब एडमिशन लेने जाएंगे ना फिर दिखाऊंगा भाई आपको पूरा कॉलेज मेरा, बिकॉज फर्स्ट टाइम था भाई, मैं तो नर्वस हो गया था, ब्लॉग नहीं करा गया। oh, no! काफी ज्यादा थक चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई आप लोगों से सीधा शाम को। लाल अभी भाई साहब थक चुके हैं भाई, सोने दो मुझे थोड़ा, और तुम लोग भी भाई अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ। सो गाइस शाम तो हो चुकी है और अभी भाई साहब सुमित और की छत पे खड़ा हूँ मैं और एक ये, और भाई चश्मा मैंने उतार दिया अभी बिकॉज मैंने दवाई डाली थी, थोड़ी बहुत आँख ठीक हो गई लेकिन अभी भी इतनी ठीक नहीं है। और इधर देख लो भाई इसको, ये भाई साहब जितनी देर मैं सोया उतनी देर भाई ये पतंग उड़ा रहा था, तंग कर रखा है इसने भाई दोपहर का, सोने भी नहीं दिया ढंग से। स्कूल से आते भाई ये पतंग लाता और डेली उड़ाता, और डेली नई पतंग आती है इसकी और डेली नई पतंग उड़ाता है। यही उम्मीद थी भाई मुझे अपने छोटे भाई से, कितना अच्छा काम कर रहा है। थैंक्स Love you. लेकिन होना भाई इससे कुछ नहीं है, पतंग इसी की कटनी है लास्ट में आके, और पतंग उड़ाने का भाई पता नहीं क्या ही गहरा शौक है इसका, पता नहीं क्या कटेगी इसी की भाई लास्ट में, तुम देख लेना बेशक आज तक एक बार भी इसने किसी की पतंग नहीं काटी, खुद ही कटी है इसकी। आप कुछ कहना चाहेंगे, मैंने आपकी इतनी बेइज्जती कर दी? सारों ने भाई इसकी पतंग काटी, ये कहना चाहता है। सो गाइस अभी फिलहाल इस ब्लॉग को करने जा रहे हैं हम लोग यहीं पर एंड, बिकॉज भाई साहब मेरी आँख में जो है फिर से काफी ज्यादा दर्द होने लग गया, मतलब कि खुल भी नहीं है ढंग से, तो फिर मैं आगे ब्लॉग कैसे करूंगा। तो भाई इसीलिए फिलहाल अभी के लिए भाई साहब इसकी वजह से इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक मार देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब मार देना यार। सो गाइस मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।